चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछाई जा रही है, लेकिन चुनाव में जातीय गणित रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। कांग्रेस और भाजपा अभी से इस गणित को साधने में जुटे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव जीतने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी एक जाति का वरद हस्त नहीं है। अलग अलग जातियां यहां अपना अलग अलग राजनीतिक वजूद रखती हैं। ब्राह्मण और जाट वर्ग चुनावी तौर पर काबिज रहा है। ज्यादातर विधायक इन्हीं दो जातियों से बनते आए हैं। सहाड़ा की जातीय गणित को अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। यहाँ सर्वाधिक दलित वर्ग की आबादी है। इनमें खटीक, बैरवा और रेगर समाज के करीब 40,000 वोट। जाट वर्ग यहाँ राजनीतिक तौर पर सशक्त वर्ग है। कई बार इस समाज से यहाँ जन प्रतिनिधि रहे। करीब 25 से 30 हजार के लगभग इस समाज के वोट है। राजनीतिक तौर पर ही ब्राह्मण यहाँ प्रमुख वर्ग है। सहाड़ा में सबसे ज्यादा बार विधायक ब्राह्मण वर्ग से ही बने हैं। इस वर्ग के करीब 20,000 वोट है। वैश्य वर्ग के वोटों की आबादी करीब 10,000 है। वहीं जैन वर्ग के वोटों की भूमिका अहम है। भील समाज के वोट बैंक महत्वपूर्ण स्थान सहाड़ा की राजनीति में रखते हैं। इनका संख्या बल 15 से 18 हजार के बीच है। यहां सबसे अहम है मूल ओबीसी वोटों का गणित। इनमें प्रमुख हैं कुम्हार, प्रजापत, गुर्जर, गाडरी, गायरी, सुथार, माली, जांगेड़, सुनार। इन्हें मिलाकर करीबन 1 से 1.5 लाख वोट होता है, जो किसी भी दल की हार और जीत में निर्णायक होता है। कुम्हार, प्रजापत, कुमावत तकरीबन 15,000 के लगभग हैं। गुर्जर समुदाय की आबादी भी यहाँ इतनी ही मानी जाती है। गायरी वोट बैंक को गुर्जर समाज से जोड़कर देखा जाता है। मुस्लिम वर्ग के भी यहाँ वोट हैं, लेकिन निर्णायक नहीं कही जा सकती। सहाड़ा में सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते ही जीत हासिल की जा सकती है। सिर्फ एक जाति के बलबूते जीत प्राप्त करना आसान नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।